रखा है। एक टीम लीडर के नाते समग्र देश का आज नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, पूरे देश की 130 करोड़ की जनता का नेता का नाम एक ही नाम है, श्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और मैं जब ये कहता हूं तो कोरे शब्दों में कहना नहीं चाहता। कोरोना आया तब मोदी जी ने एक घोषणा की कि कल पूरा देश जनता कर्फ्यू का पालन करेगा, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। अपील की, कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं। और 130 करोड़ के देश में रोड पर एक भी वाहन नहीं दिखता था मित्रों, कोई घर के बाहर नहीं। एक नेता की अपील पर 130 करोड़ की जनता अपने आप को घर के अंदर बंद कर दे, बूढ़ा, युवा, महिला, पुरुष, बच्चे, बच्ची, सभी लोग। भाई मोदी जी ने कहा है कोरोना के सामने एकजुट होकर लड़ना है, हम घर के बाहर नहीं जाएंगे। ये बताता है कि ही इज टीम लीडर, पूरे देश के ही नेता है, भावुक राजनेता है। जब कोरोना के अंदर लोगों के कामकाज बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया, गरीब लोग क्या खाएंगे सब सोचते रह गए, एक दिन सुबह अचानक ही उन्होंने योजना घोषित कर दी, हर घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। भारत सरकार हर गरीब के खाने की चिंता करेगी। मित्रों, ये विचार उसी को आ सकता है जिसने गरीबी का दुख झेला हो, गरीबी को जिया हो। एक निडर सेनापति, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मुझे याद है जब उरी और पुलवामा में हमला हुआ, हम सबको लगता है अब क्या हो सकता है, युद्ध हो जाएगा। वो कुछ बोलते नहीं थे, केरल की कार्यकारिणी थी, एक फोन नहीं लेना, एक चर्चा नहीं करना, एक मीटिंग नहीं। केरल में राष्ट्रीय परिषद थी, दीनदयाल जन्मशती की शुरुआत थी, कुछ नहीं, किसी के साथ मीटिंग नहीं, किसी के साथ फोन नहीं, एकाग्रता से कार्य समिति के अंदर वो हिस्सा ले रहे थे। और तीसरे ही दिन एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को हताहत कर अपने जवान वापिस आए। एक निडर सेनापति की तरह फैसला करते हैं, मेरे देश के जवानों की जान गई है, आपको हिसाब चुकता करना पड़ेगा, यहीं पर करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा। ये हिम्मत बहुत कम नेताओं में होती है सर।